सो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है सबका एक और नए व्लॉग में। और भाइयों अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट की सर्विस कराने के लिए। बुलेट की इतनी गंदी हालत हो रही है ना, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी अपना बुलेट ऐसे नहीं रखा। माँ की कसम झूठ क्यों बोल रहा भाई, पता क्यों भाई? देखो पहले तो पता जॉब नहीं कर रहा था तो भाई पैसों की बहुत किल्लत चल रही थी, सिर्फ अपने खर्चा निकाल पा रहा था, बुलेट का खर्चा नहीं निकाल पा रहा था ऊपर से। और जो सर्विस 20,000 पे होनी थी ना वो 22,000 पे हो गया, 2,000 ऊपर चला चुका हूँ, 16,000 पे करा रही थी मैं लास्ट सर्विस। अब मेरी कांच फूटी हुई थी अंदर से, मैं कहा वैन चो कभी भी बुलटू कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ होने का वेट क्यों करें, फटाफट वैन चो इसकी सर्विस करवा लेते हैं। लेकिन अभी भाई जो तुम्हारे भाई का बुलट चलाता है ना वो बोलता है वैन चो कि भाई कितना स्मूथ चल रहा है। ओ यार घड़ी नहीं पाई, मैं तुम्हें टाइम दिखाने लगा था वैन चो घड़ी पानी रखी। चलो कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है 4:30 और निकल रहा हूँ मैं सर्विस करवाने के लिए। लंबे वाले फोन करा था लेकिन उसने फोन उठाया नहीं, दल्ले ने वैन चो चूत उसकी। कोई बात नहीं, बाकी ये गाड़ी म्यूट कर दूंगा नहीं तो साला मेरे पुशअप लगवाएगा फिर अगर सुन लेगा ये। चलो तुमसे मिलते हैं फिर सीधा मोटर मार के। लिया 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 तो ऐसे बनो अपने बच्चों से काम करो। काम चोर इंसान भाई, जब हम इनकी उम्र के थे ना सारा काम करते थे घर का और इनके माँ बाप हमसे करवाते थे। बदला लिया करो पूरा, उनके मम्मी पापा मतलब कि मेरे मासी मेरे मामा हमसे काम करवाते थे, अब हमें क्या बच्चों से काम करवाएंगे? ऐसी ये रीत चलती रहनी चाहिए, कल को मेरे बच्चे होंगे फिर ये उनसे काम करवाएंगे। तो भाई वो पहुंच गया मोटर मार्केट और यहाँ से ट्रक में सर्विस फटाफट से करते हैं। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक? सर्विस करनी है, कितना टाइम लगेगा सर्विस कर दिया बोलते बना दो ना, अंदर जाके पसंद करता हूँ। ठीक है ठीक है, सामान क्या क्या लेके आऊँ? मैं खुद ले लूँगा। ओके बड़े भाई, उसके अंदर बैठते हैं भाइयों के पास। क्या हाल है भाई? ये सपोर्ट क्लासिक तो थोड़ी सपोर्ट दो दो पत्तियां हैं भाई। मेरे को तो यहाँ पे आए कोई एक घंटा हो गया लेकिन लंबू नहीं मिलता हुआ, अब जान वो गया हिमालय इसको इतनी देरी खड़ी हुई थी ना, अभी तक इससे हिमालय नहीं सेट हुई। अब देखते हैं कितना टाइम रहेगा भाई बूट में भी है, बाकी इसको बड़ी देर होगी भाई, अब तक नहीं मिलना हुआ इसकी बैंड की टांग बुलट खड़ा हुआ अपना ऐसी इतनी देर का कुछ नहीं हुआ। वो मुन्ना मेरा बुलटी कर देता, तू बुलटी कर देता मेरा, क्या करना ये खड़ा तेरे पीछे, क्या सर्विस तेरे को बोली होती तो मौत नजर आ जाएगी जिस दिन मैं सर्विस करना शुरू कर दूंगा, मर जाएगा जो बॉडी को काट है उसकी। ओ बहन की टांग, अच्छा जी हां मैं तो एंटी मेरे जन्म में ना बात उसकी बहन। ओए 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 मैं दोस्त के मैच में घर से गाड़ी ले गया था। हां मुझे पैसे नहीं थे, कहने मुन्ना मैं लेबर नहीं बोले खुद करके ले आएगा, उसने सॉफ्टवेयर खोल के सर्विस तेल चेंज करके ले गया। मुझे लगा इतना बड़ा बहन का लड़का मुंह हो गया, मतलब यारी दोस्ती में गद्दारी है मेरे तगड़ी चोट लगी हुई तेरे बैंड चो, तगड़ी चोट लगी हुई तेरे बैंड चो। कोई बात, सब सबके लगती है यारी दोस्ती है। सही बात है भाई, सही बात है, कोई नहीं भाई अपना दिल बड़ा रखते हैं, सही बात है अपना दिल बड़ा रखते हैं, आप दूसरों कई माड़ा सोचते हैं। सारे अपने भाई हैं लेकिन कोई हमें वैन का लौड़ा भाई नहीं समझता। चलो कोई तो भाई, तुम्हारे भाई ने वैन चो लंबे कोई फोन करके बुला लिया यहाँ पे, एक घंटा लगेगा यहाँ पे, लेकिन उसका फोन आया कह रहा कितनी देर लगेगी, मैं आधा घंटा 20 मिनट लेंगे आजा फटाफट। वैन की टांग मैं फंसाऊँ कल्ला थोड़ा फंसाऊंगा भाई, उसे भी बुलाऊंगा। और जैसे तुम्हें बताया था आज है मंगलवार और जाना है मंदिर, अब यहाँ से फटाफट सर्विस करवा के सीधा मंदिर के लिए निकलेंगे और देखेंगे बाहर कुछ खाएंगे पिएंगे, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो तुम्हें तो जरूर दिखाएंगे और रिव्यू भी देंगे बिल्कुल। तो लंबा आएगा फिर उसकी खुशकियाँ लेंगे, उसे बताऊंगा जैसे ही आएगा ना कि भाई अब तो एक घंटा रहेगा, अब कहाँ जा रहा तू, अब एक घंटा चलो अब वो आएगा तो मैं तभी मिलवाऊंगा उससे, ठीक है? अभी तो फिलहाल मैं खटके बुलट का काम करवा रहा हूँ, अपना बुलट का काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? बाकी मिलता तुमसे। तो भाई तुम्हें टाइम दिखाया ही था मैंने कि जब मैं यहाँ पे आया था, और टाइम देख लो भाई कितना हो गया, 6:30, ठीक है 4:30 बजे का आया हूँ और तब से इतनी भीड़ थी यहाँ पे, फाइनली मेरा टाइम जो सा वेस्ट हुआ था अब थोड़ा रंग लेके आ रहा है। और बाकी लंबे को बुलाया मैंने, मैं कहा पनीर लेके आई, उसे मैंने पैसे दे दिए, आते हुए थोड़ा वैन चो पनीर लेके आएगा किसी काम तो आया दल्ला वेल्ला वैन चो, बाकी कोई बात नहीं जैसे ही आ जाएगा फिर तुम्हें मिलवाते हैं उससे। तो भाई लंबा भाई ले आया पनीर, तुम ट्रिप करेंगे तो मोटर सीट सर्विस लेके आएगा दल्ला। अच्छा ट्रिप जाने से पहले मतलब जब हम ट्रिप पे होंगे तो मोटा ले देगा ना बुलट? अच्छा हाँ फिर अपना बुलट अपना टाइम बचेगा ना फिर,
एक नौकर तो आई है हमारे पास अपने पे रखे हुए बाबा ऐसे हैं तीन चार हैं हर बंदा मेरे को टाइम टाइम पे आता है इससे यहाँ पे काम निकलवा सकता हूँ चलो भाई पनीर खाता हूँ बैंचो तब से भूखा बैठा था कुछ खाएंगे पियेंगे पेट में कुछ जाएगा और जिम हो सकता है रात को जाऊंगा 9-10 बजे तार काट दे और साढ़े दल्ले भाई 4:30 का यहाँ रखो और इधर ले गान पटकी सुन के और टाइम लेगा काम बहुत है भाई मैं तुम्हारे इधर आने बेले बगारो बगारो साले अपने अपने काम के लेना बुला लियो कभी फिर गड्डी यहाँ करवाने जाना गड्डी वो करवाने जाना चूतिए तेरे को साथ चक्कर के आता हूँ तूने मेरे को फोन किया भाई चलते हैं मैं तेरे को निकलते हुए फोन नहीं करा मोटर मार्केट जा रहा हूँ चल रहा नहीं चल रहा भाई ऐसे दल्ले दोस्त होते हैं कोई बात नहीं भाई जो पनीर लगा देते हैं ना पैसे तो मैंने दिए थे दल्ले पनीर लगा देते हैं बाकी भाई अब कितना टाइम रह गया दो मिनट का काम है आराम से करने से गाड़ रहा चलो गाइस ठीक है मिलते हैं मंदिर मंदिर भी जाना अभी मंदिर जाना है ना पैसे मांगने भगवान से और करना वही तो मांगता हूँ मेरे को अमीर बना दो रातों रात 1 करोड़ मिल जाए सब्सक्राइबर उड़वा दो यार वही हो रहे भाई मैं तो टूट चुका हूँ क्यों सारी शाम यहीं पे निकल गया तेरी साले कुत्ते भाई सारा दिन में यही निकल गया सारी शाम यही निकल गई ना जिम जा पाया ना कुछ हो पाया बाकी चलो कोई बात नहीं इसके बाद अब ये ब्रेक फ्लूइड चेंज हो रहा है भाई बुलेट अपना ओके हो गया मैंने यहाँ पे स्टिकर लगाना है अभी तुम्हें स्टिकर लगवा के दिखाऊंगा भाई एक नंबर स्टिकर बनो तुम्हारे भाई ने खुद डिजाइन करा स्टिकर कुछ स्पेशल डिजाइन नहीं करा कहीं तो सोच रहे हो कि भैंस बहुत खतरनाक डिजाइन करा होगा कुछ स्पेशल डिजाइन नहीं करा लेकिन आपने यूट्यूब का मैंने सोचा था यहाँ पे लोगो लगाऊंगा ना ताकि भैंस लगे कि हाँ कोई यूट्यूबर है भैंस जिसका चीज है नाले बुलेट के कलर के साथ मैचिंग सा बनाया कैट सा बाकी तुम्हें लगवाऊंगा ना फिर दिखाऊंगा बाकी अभी बस इसी सर्विस होगी ऑलमोस्ट फिर लंबे की सर्विस करनी है तो भाई वो बुलेट का काम हो गया और अब बस घर को निकल रहे हैं टाइम देख लो 8 बजने को हो गए हैं 4 बजे ही खड़े भाई तू और ना कुछ कह के 4:30 को मैं रखूंगा एक चौधरी साले बुलाई 6:30-7 बजे है 7 बजे आ रही है चलो मिलते हैं तुमसे बुलेट चेकते हैं पेमेंट करते हैं और निकलते हैं फिर मंदिर के लिए सीधा तुम्हें मिलते हैं मंदिर में ठीक है मंदिर पहुंच गया गए मिलता हूँ थोड़ी देर भाई वो बंदों की दुकानें होती हैं अपनी ठीक है वो अपनी दुकान से सामान सामान लेते हैं ये करते हैं वो करते हैं ठीक है लेकिन तुम तो एक बंदा दिखाता हूँ उसकी अपनी दुकान होते हुए भी वो दूसरी दुकान क्या मिलता हूँ तुमसे तो इस बार भाई हमारा जहाँ ट्रिप जा रहा है ना हमने वहाँ पे ना एक जगह सर्च कर रखी है हॉन्टेड पूल वहाँ पे जगह क्या उसका नाम क्या लांबी दी हार माइन मतलब और वहाँ पे देखेंगे भाई सिस्टम पूरा खतरनाक वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे आता हूँ तुम्हारी घूमती है हम डर रही हम भी तो खुद ही बैठो काल जैसे बंदे हैं साथ में मैंने ऐसा करेंगे भूतों का डर नहीं है कुछ कर तुम्हारा डर है तुम भूतों के साथ कुछ कर दोगे लेकिन भाई जाना तो है भाई वो जो गांड फटी में जाते हो मजा आता है ना भाई जब ऐसा होता है ना कि गांड ही फट रही है और जा भी जा रहे हैं एक एक कदम चलते हुए भी गांड फटती आगे आगे ओहो भाई वो थ्रिल होता ना जो उसका भाई जाना भाई वो फीलिंग चाहिए भाई वो तुम्हें गांड फटी होती है अंदर से और ऐसा होता है तू आगे जा एक दूसरे को पुश भी कर जाना कि नहीं भाई डर तो लग रहा है डर नहीं लग रहा डरता नहीं तेरा भाई लेकिन अंदर से डरता नहीं तो होगा लेकिन हाँ लेकिन अंदर से जो फटी होती है ना भाई और होली होली जाना अगे एक दूसरे को पुश करते करते पंप देते देते ओ भाई मजा आ जाएगा भाई बने रहना भाई व्लॉग के एंड तक ठीक है ओ सॉरी 29 तरीके से व्लॉग होएगा ना भाई तीस वाला व्लॉग तुम्हारे लिए भाई बहुत सही होने वाला है तो अगर मेरा भाई कोई चैनल पे नया ना अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई आने वाले व्लॉग होने वाले हैं 1 नंबर और तुम्हें मजा आएगा ओए क्या स्टंटबाजी कर रहे हो ये क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता पप्पी कर दे उसको फिर मार इसके मिलना सारी साइकिल पढ़ रहा हूँ मार इसकी बैठ की मार मर लगे मार इनकी साइकिल चक्के ले जाते हैं वो साइकिल तो ले जाओ अपनी हाय कर दे एक बार इधर इधर कैमरे में क्या सब्सक्राइब कर दो चैनल को नहीं सब्सक्राइब बोल क्या सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब चलो भाई ठीक है तो भाई वेट में देखते हैं डिफरेंस आया नहीं आया मेरा 87 वेट था लास्ट टाइम ओ भाई 89 करो जा खाना खा रखा वैसे तो लेकिन फिर भी क्या हो गया काउंट तो वो भी करेंगे
89 वेट होगा, इसका 87 है, इसका 87, मेरा 89। तो साले मसल भी तो देख ले मेरे और अपने देख ले अपने मसल देख ले, दो किलो मसल बढ़ गए मतलब ना। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे फैट बढ़ गए, लेकिन अगर तुम मसल भी देखे तो मसल और फैट का रेशियो देखा जाए तो मैं मसल ज्यादा, तेरे फैट रेशियो ज्यादा है, तेरा 87 वेट है बेटे, खाते पीते करके साला। वही लड़कियां क्या क्या छोड़ जाती हैं कि काला है, कालों का जमाना है। विक्की कौशल ने कटरीना कैफ दिया, सही बात है, समझ गए, विक्की कौशल भाई कटरीना कैफ हल्के में ले, गोरे बंदों का थोड़ा जमाना है, छक्के गोरे ऊपर से बगैर दाढ़ी के, ऊपर से पिंक, पिंक लिप्स, ओ यार बैठ की भाई, रंग तो सावले दसते हैं पक्के, बादाम में ओए होए होए। बाकी लड़कियों को पता ही है किन लड़कों की बात हो रही है यहाँ पे, चलो भाई मिलते हैं तुमसे कल एक और नई ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अगर कोई मेरा भाई चैनल पर नया कर दो फटाफट, और जिनसे पुराने उनको तो पता ही है क्या करना, लव यू गाइस, मिलते हैं कल तुम्हें एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लंबे थोड़ा पापी मगाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन